तो ये पहले अब तो नहीं, ये मीना जाति राजस्थान में होती थी तो अक्सर चोरी का ही काम किया करते थे। एक महात्मा के पास जाता एक घाटम नाम का आदमी था मीना, तो महात्मा ने कहा चोरी छोड़ दो, बोले तो छूटते नहीं, और कोई आप काम बताओ तो करें। बोले अच्छा दो नियम करो तुम, सच बोलना और जहाँ भगवान की आरती होती हो वहाँ आरती में खड़े रह जाए। बोले अच्छा दो नियम लिए, दो नियम ले लिए। वो बड़ा सावधान, झूठ बोले नहीं और आरती में खड़ा हो। तो गुरु महाराज कहीं बाहर चले गए, समाचार मिला गुरु महाराज के यहाँ कोई भंडारा है, समाचार मिला देर से उसे जाना, जाए कैसे, जल्दी पहुँचे कैसे, पैदल जाकर पहुँच सकता नहीं, सवारी पास नहीं, तो चोरी की वृत्ति थी ही। कहा घोड़ा राजा के घुड़साल में से चुराला में तो चले जाए। तो पहुँचा घुड़साल में, पहरेदारों ने पूछा कहाँ जा रहे हो मेरे चोरी करने, क्या चोरी करोगे, बोले घोड़ा चुराएंगे। तो पहरेदारों ने देखा कि चोर कभी जो बोलता है क्या कि चोरी करने जाते हैं घोड़ा चुराएंगे, ये जरूर कोई राजा का भेजा हुआ आदमी है, इसको जाने देना चाहिए। तो अंदर गया एक बढ़िया सा घोड़ा चुन करके लाया, बोले ये क्या कर रहे हो, बोले चोरी करके ले जा रहे हैं घोड़ा, कहाँ जा रहे हो, गुरु जी के भंडारे में जा रहे हैं, रोका नहीं, भगवान की इच्छा और उनके मन में आया कि ये सच्चा आदमी होगा, घोड़ा ले गया। पीछे बहम आया मन में कहीं हम लोग ठगा तो नहीं गए, उलाना मिलेगा कि ये तुमने घोड़े को ले जाने दिया इस प्रकार से, बड़े मूर्ख हो, तो पक्की सड़क तो थी नहीं, बालू वालू थी, उसमें वो पदचिन्ह खोज वो पढ़ते थे, तो इन्होंने इसका पीछा किया, सिपाहियों ने पीछा किया तो गए। शाम का वक्त था, एक मंदिर में आरती हो रही थी, तो घाटम जी को तो वहाँ ठहरना, उन्होंने घोड़ा तो नीचे बांध दिया और चले गए ऊपर मंदिर में, आरती में खड़े हो गए। आरती में खड़े हो गए, इतना इतनी जो देर लगी इतने में वो लोग आ गए वहाँ पर, देखा तो घोड़ा बंधा है और घोड़े का रंग दूसरा। निकाल उसी खोज खोज आए, ठीक वहाँ से सीधा यहाँ तक घोड़े के पदचिन्ह मिले, खोज मिले और घोड़ा वो का वो पर रंग बदल गया, कैसे, लाल का सफेद या सफेद का लाल हो गया। ऊपर देखा तो उद्घाटन जी खड़े, बोले यहाँ कैसे खड़े हो, बोले आरती में खड़े हैं, बोले तुम घोड़ा लाए, घोड़ा लाए थे ना, बोले कहाँ घोड़ा, बोले नीचे बंधा है। नीचे आए, बोले यही घोड़ा बना, यही तो घोड़ा हम चुरा के जो लाए थे, वो बोले ये तो रंग रंग दूसरा है लाल, बोले तुमको दूसरा दिखता होगा, हमको तो वही रंग दिखता है, वही रंग तुमको दूसरा दिखता है। तो बोले वापस चलो राजा साहब के पास, बोले भाई देखो एक बात है, हमको गुरु जी के भंडारे में जाना है, तुम लोग साथ करो, भंडारे में जा करके और वापस आ जाएंगे, तुम्हारा घोड़ा तुमको दे देंगे और लोग वहाँ से भी चलेंगे। तो बोले अच्छी बात, वो बेचारे साथ हो रहे, देखा भाई आदमी बड़ा सच्चा मालूम होता है, बड़ा भला मालूम होता है, गुरु जी के यहाँ गए, भंडारे का काम सारा हो लिया, वापिस आए घोड़े को लेकर के, घोड़ा उन्हें दे दिया, फिर बोले राजा साहब के पास, राजा साहब के पास ले गए। बोले तुम कौन हो, बोले हम चोर हैं, तो तुम क्या घोड़ा चुरा के ले गए थे, यहाँ ले गए थे। बोले क्यों ले गए थे, मेरे गुरु जी के यहाँ भंडारा था और सवारी थी नहीं हमारे पास, पहुँचना था जल्दी, तो सवारी के लिए घोड़ा ले गए, फिर
चुरा करके क्यों ले गए, तो बोले मांगे कौन देता, चुरा के ले गए, तो बोले चुरा के ले गए तो बस सच क्यों बोलते हो, बोले ये तो गुरु जी ने नियम दिलवा दिए कि भाई सच, हम गुरु जी से बात हुई, गुरु जी ने कहा चोरी छोड़ दो, तुमने कहा चोरी की छोड़ती नहीं, तो बोले तुम दो नियम करो, सच बोला करो और आरती में खड़े रहा करो, तो दो नियम ले लिए हमने, सब से सच बोलते हैं, घोड़ा ले गए चुरा के तो कैसे गए, चुरा के नहीं ले गए, सच बोलने का हमारा नियम है 20 मिनट है, तो सच बोलने का हमारा नियम तो कैसे, तो कैसे हम झूठ बोलते, तब राजा साहब पर बड़ा प्रभाव, राजा ने कहा देखो तुम तो बड़े भक्त मालूम होते हो, तुम चोरी क्यों करते हो, तुम चोरी क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा कि अगर चोरी न करें तो दूसरा हमारे पेशा नहीं, हमें कोई नौकर रखता नहीं, कोई जमीन देता नहीं, ये बात होती है भला, जो चोर प्रसिद्ध हो जाते हैं वो बेचारे चोरी करने के इसीलिए बाध्य होते हैं आगे जा करके, कि उन्हें काम नहीं मिलता, एक बार दाजी हो गया तो दंड से अपराध बहुत घटते नहीं है। तो राजा ने कहा धमकी की जमीन दे, तुम भगवान का भजन करो, चोरी मत करो, तो चोरी छूट गई तो भजन करने लगे, कोई न कोई नियम लेना चाहिए, आप उससे विचार करें, अगर चाहेंगे तो हम ये जो पन्ने देंगे आप लोगों ने लिख लिख करके ये नियम ले, ये तो ये प्रस्तुति की बात हुई। दूसरी बात हुई, एक बड़े रोग का समाचार है, जुगल किशोर जी बिरला का देहावसान हो गया, वो बड़े धनी थे, इस बात को लेकर हम कुछ कहना चाहते, उनके जीवन का मैं बहुत कुछ हाल जानता हूँ, वो बड़े हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक, कट्टर मानने वाले और कट्टर सेवक, उनके जीवन में जहाँ तक मैंने उनके निकट से देखा, उनका जीवन केवल हिंदू धर्म की सेवा में दी, वो पैसा कमाया जितना उन्होंने वो कमाया केवल हिंदू धर्म की सेवा के लिए, पहले दे देते फिर कमाते, उनकी कमाई का पैसा विलासिता में खर्च नहीं हुआ, उनकी कमाई का पैसा किसी बुरे काम में खर्च नहीं हुआ, केवल केवल हिंदू धर्म की सेवा, वो हिंदू धर्म का सूर्य था, एक बड़े बड़े लोगों को मालवीय जी तक को उन्होंने हिंदू धर्म की सेवा में प्रेरित किया, इस बात को मैं जानता हूँ, और अंत तक अभी कुछ दिनों पहले मैं गया था तो मुझसे पूछने लगे कि साधु मिले थे क्या, हिंदू धर्म की कब उन्नति होगी, अपनी 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 बीमारी का हाल नहीं, एकमात्र धर्म की चर्चा, और धर्म के लिए करोड़ों रुपए उन्होंने दान किए, मामूली बात नहीं है, जितना कमाया सब दे, और बड़े शीलवान जवान उम्र में उनकी स्त्री मर गई, उसके बाद उन्होंने विवाह नहीं की, बड़े सदाचारी रहे, बड़े मिलनसार साधुओं के अनन्य भक्त, साधु मात्र के भक्त, और हिंदू नाम पर तो मर लिखने वाले, उनका हिंदू धर्म के लिए जो प्रयास हुआ है वो ऐतिहासिक प्रयास है, ऐतिहासिक प्रयास है, वो मामूली बात नहीं, तो उनके लिए शोक प्रकट तो क्या करें, शोक प्रकट तो इसलिए भले ही कि वो हमारे हिंदू धर्म के एक बड़े स्तंभ से वो टूट गए, और मेरे साथ जो व्यक्तिगत उनका संबंध था वो तो अत्यंत निकट का था, अत्यंत निकट का था, तो मेरे जो बड़े भाई थे वो आप जाते रहे तो मुझे मन में संताप जरूर है, पर वो इतने ऊंचे थे, इतने ऊंचे थे,
उन पर भगवान की कृपा जरूर बरसी है और उनका कोई सदगति में संदेह नहीं, लेकिन उनके जैसा कोई अब रहा नहीं। आज उनके जैसा कोई नहीं है उनकी जो ईपा, तो उनको हम स्मरण करने याद आ गई बात कि मैंने कह दी कल रात उनका और ये समाचार आया कि भगवान के दिव्य ग्रह को देख रहे थे, अंत काल तक भगवान का नाम ले रहे थे, तो अंत काल तक उनके होते इस अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। कल रात के शायद एक बजे लगभग ये समाचार, शोक का तो वैसे शोक का नहीं, शोक तो उनके लिए है जो भोगों में रचे पचे मरते हैं, जो पाप करते हुए मरते हैं, जो बुराई करते हुए मरते हैं, वो नरकों में जाएंगे, उनके लिए शोक है। जो भगवान के लिए भगवान की सेवा करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म सेवा करते करते जिनके प्राण जाते हैं, वो शोक करने योग्य नहीं है। वो तो हमारे याद रखने लायक चीज है, इस विभूति को हम याद रखें, उनका पदानुसरण करें, उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलें, ये हमारा कर्तव्य है। अब मैं तो उनके लिए आप कैसे गो नाम लेने भगवान का, ये मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्यावर रामचंद्र जी जय। ये खड़े होकर शोक मनाना ये हमारे यहाँ के प्रथा नहीं है, हम शोक नहीं मनाते, हम तो आत्मा की सदगति मनाते हैं। अच्छा, अब वो अपना अंतिम जो प्रोग्राम रहता है एक पद का, तो समय थोड़ा ही रह गया है, अरे दो हो तो सर एक दिन आगे चल जाए, क्या है दिल्ली दिल्ली में थे बहुत दिनों से, उनके बीमार थे, ये हृदय में एक तरफ में थोड़ा हो गया था, अंदर व्रण हो गया था, उसी व्रण के कारण से उनको पैर भी नहीं काम देते थे, पर वो केवल चिंतन करते थे हिंदू धर्म की उन्नति का। ये बारवा है, यादा जी कहती हैं ये दूसरे जगत में आ जाइए, अब भगवान के प्रेम जगत में आ जाइए, वृंदावन चले चलिए, ब्रज में आ जाइए, अब इस जगत को छोड़िए, अब ये प्रेम जगत है, इस प्रेम जगत में न ये संसार है, न ये दुनिया है, न यहाँ का जन्म है, न यहाँ की मृत्यु है, न यहाँ का व्यवहार है, न व्यापार है, वहाँ पर केवल और केवल विशुद्ध प्रेम, केवल और केवल भगवान और भगवान की प्रीति, यही है। तो राधा जी भगवान के प्रेम की मूर्तिमान प्रतिमा है, ये भगवान का जो आनंदांश है, आनंदांश जो मूर्तिमान होता है, लहाजनी शक्ति इनका नाम है, तो भगवान का जो आनंद है उसकी मूर्तिमान प्रतिमा ये राजा जी है। इनमें त्याग की पराकाष्ठा, ये देती ही देती है, पर प्रेम का स्वभाव है प्रेम देना जानता लेना नहीं जानता, और देने को लेना मानता, ये प्रेम की विचित्र स्थिति है। जहाँ कहीं भी प्रेम होगा वहाँ लेने की भावना नहीं होगी, देने की होगी तो देने को लेना माना जाएगा, जहाँ भी लेने की इच्छा है, पाने की इच्छा है, तो सुख वासना है,
अपने में गौरव का भान है, अपने में अपने गुण का भान है, अपने में किसी भी वस्तु का अभिमान है, वहाँ प्रेम नहीं है। तो राजा जी के शब्दों पर ध्यान दें। ये कहते भगवान, तुमसे सदा लिया ही मैंने, लेती लेती थकी नहीं, अमित प्रेम सौभाग्य मिला पर मैं कुछ भी दे सकी नहीं। तुमसे सदा लिया ही मैंने, लेती लेती थकी नहीं, अमित प्रेम सौभाग्य मिला पर मैं कुछ भी दे सकी नहीं। मेरी त्रुटि मेरे दोषों को तुमने देखा नहीं कभी, मेरी त्रुटि मेरे दोषों को तुमने देखा नहीं कभी, दिया सदा देते न थके तुम, दे डाला निज प्यार सभी। दिया सदा देते न थके तुम, दे डाला निज प्यार सभी। वो कहती हैं कि हे प्राण वल्लभ श्याम सुंदर, मैंने जीवन भर अनाज काल से लेती रहती हूँ, मैंने तुम सदा लिया ही लिया, मैंने सदा तुमसे लिया ही लिया और मैं लेती लेती थकी नहीं। जितना लिया और लेने की चाह हुई, जितना लिया और लेने की चाह हुई, मैं लेती लेती कभी थकी नहीं, लिया ही लिया, लिया ही लिया। ये प्रेम का स्वरूप जो नित्य देता है, जिसने दिया ही दिया, जिसने दिया ही दिया, वो कहता है लिया ही लिया, और लेते लेते कभी थकी नहीं। और बदले में मैंने तो कुछ दिया तो है ही नहीं, लिया क्या लिया, अमित प्रेम सौभाग्य मिला, महान प्रेम मिला और महान सौभाग्य मिला। वो कैसा कि अपरिमित, जिसकी कोई मिति नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी संख्या नहीं, जिसकी गणना नहीं, इस प्रकार का अपरिसीम अपरिमित प्रेम मिला, सौभाग्य मिला। लेकिन मैं बदले में कुछ भी दे नहीं सकी, मेरे पास देने को है क्या, मेरे पास है देने को त्रुटियाँ, मेरे पास है देने को दोष, मेरे पास है देने को अवगुण, मैं अवगुणों से भरी, मैं दोषों से भरी, मैं त्रुटियों से भरी, मैं बदले में देती क्या, उस प्रेम सौभाग्य के बदले में देती क्या। लेकिन तुम कितने उदार, तुम कितने श्रेष्ठ मेरे प्राणनाथ, तुमने कभी मेरे दोषों की तरफ देखा ही नहीं। मैं दोषों से भरी, तुमने कभी दोष देखा नहीं। मैं त्रुटियों से परिपूर्ण, तुम्हारी नजर में मेरी त्रुटि कभी आई नहीं, कभी नहीं आई। और तुम सदा देते रहे, देने वाला थक जाया करता है, लेने वाला तो बार बार लेता है, पर तुम देते देते कभी थके ही नहीं। अपना सारा प्यार दे दिया तब भी और देते रहते हो, देते रहते हो। तुम इतने उदार, तुम इतने ऊंचे और मैं इतनी नीची, तुम सद्गुणों के भंडार, मैं दोषों की खान, तुम हमेशा देने वाले, मैं हमेशा लेने वाली, मेरे पास दोष भरे, मैं देती क्या। लेकिन तुम्हारी उदारता इससे भी और आगे, तुमने दिया ही दिया, मैंने लिया ही लिया, तब भी तुम कहते क्या हो, तब भी कहते दे न सका मैं, तुमको कुछ भी है प्यारी, तुम सुशील गुणवती तुम ही, मैं तुम पर हूँ बलिहारी, तब भी कहते
दे न सका मैं तुमको कुछ भी है प्यारी, तुम शील गुणवती तुम ही, मैं तुम पर हूँ बलिहारी। इतना देने वाली हो करके भी तुम कहते चाहो कि हे प्रीत में मैं तुमको कुछ भी दे न सका। तुम मेरे न देने पर भी देना मानती हो तो तुम्हारे शरीर की शील गुणवती तुम ही हो और कोई है नहीं। मैं तुम्हारे इस शील गुण पर न्योछावर हूँ, बलिहारी जातन। राधा कहती है देने वाले होकर के यूं कहते हैं तुमने क्या कहा, क्या मैं कहूँ प्राण प्रियतम से, देख लगाती अपनी ओर। क्या मैं कहूँ प्राण प्रियतम से, देख लगाती अपनी ओर। मेरी हर करनी में तुम, मेरी हर करनी में ही तुम प्रेम देखते नंद किशोर। ये सब तुम्हारी तो आंखें बदल गई। अब मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं तो अपनी तरफ देख करके लाज के मारे डरी जाती हूँ। कुछ भी मैं देने योग्य नहीं, दोषों की खान अवगुणों की खान त्रुटियों से भरी, इसको तुम शील गुणवती कहते हो, इस पर तुम बलिहार जाते हो और इसको रात दिन देने पर भी कहते हो तुम्हें मैं कुछ नहीं दे सका। तो मैं क्या कहूँ, यही कहती हूँ कि तुम्हारी आंख बदल गई, तुमको मेरी हर करनी में हे नंदलाल केवल प्रेम दिखता है। तुम्हारी आंखें प्रेम देखने वाली बन गई, तुमको मेरी प्रत्येक करनी में प्रेम दिखाई देता है, ये तुम्हारा गुण है। क्या कुछ गुण श्री कृष्ण कहते हैं, राधे तू ही चित्त रंजनी, तू ही चेतन सा मेरी, तू ही नित्य आत्मा मेरी, नहीं बस आत्मा तेरी। राधे तू ही चित्त रंजनी, तू ही चेतन सा मेरी, तू ही नित्य आत्मा मेरी, नहीं बस आत्मा तेरी। तेरे जीवन से जीवन है, तेरे प्राणों से है प्राण, तू ही मन मति चक्षु कर्ण त्वक रसना, तू ही इंद्रिय ध्यान। तू ही मन मति चक्षु कर्ण त्वक रसना, तू ही इंद्रिय ध्यान। तू ही स्थूल सूक्ष्म इंद्रिय के विषय सभी मेरे सुख रूप, तू ही धूल सूक्ष्म इंद्रिय के विषय सभी मेरे सुख रूप, तू ही मैं ही तू, बस तेरा मेरा संबंध अनूप। तू ही मैं ही तू, बस तेरा मेरा संबंध अनूप। तेरे बिना न मैं हूँ, मेरे बिना न तू रखती अस्तित्व, तेरे बिना न मैं हूँ, मेरे बिना न तू रखती अस्तित्व। अबिना भाव विलक्षण ये संबंध, यही बस जीवन तत्व। अबिना भाव विलक्षण ये संबंध, यही बस जीवन तत्व। इसमें सारी प्रेम की फिलॉसफी आ गई, प्रेम दर्शन आ गया। इतना एक आत्मभाव कृष्ण कहते हैं, वो श्री राधिके तू ही मेरे चित्त का रंजन करने वाली है, और केवल चित्त का रंजन करने वाली नहीं, मेरी चेतनता भी तू ही है। तेरे बिना मैं अचेतन, मैं तेरी, तू मेरी नित्य आत्मा है, और यही नहीं तेरी भी आत्मा नहीं है, तू मेरी नित्य आत्मा और मैं तेरी आत्मा,
तेरे जीवन से मेरा जीवन है, तेरे प्राणों से मेरे प्राण हैं, और केवल यही नहीं, मेरा मन तू है, मेरी बुद्धि तू है, मेरी आँख तू है, मेरे कान तू है, मेरी त्वक तू है, मेरी रसना जीभ तू है, मेरी घ्राण इंद्रिय नासिका तू है, सारी इंद्रियां तू ही बनी हुई है, और मन तू बनी हुई है, बुद्धि तू बनी हुई है, और केवल इंद्रियां मन बुद्धि नहीं, इनके जो विषय हैं, स्थूल सूक्ष्म इंद्रियों के जितने विषय हैं, जिनसे मुझे सुख मिलता है, ये सब भी तू ही है। इंद्रियां तू, इंद्रियों के विषय तू, और उनका सुख तू, भोग तू, भोगता तू। वास्तव में क्या है कि तू ही मैं हूँ और मैं ही तू, तू मैं है और मैं तू है, तेरे और मेरे में ये अनुपम संबंध है। मैं तेरा तू मेरी ये नहीं, इसके भी आगे तू मैं और मैं तू, ये तेरा मेरा अनुपम संबंध है। अभिनाभाव, अभिनाभाव का अर्थ है एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं, एक के बिना दूसरे की सत्ता नहीं, तो ये मेरे बिना तेरे बिना न मेरी सत्ता और मेरे बिना न तेरी सत्ता, तेरे बिना न मैं हूँ, मेरे बिना न तू रखती अस्तित्व, अगर तू नहीं तो मैं नहीं और मैं नहीं तो तू नहीं, तेरा और मेरा अभिनाभाव संबंध है, विलक्षण है, बस यही तेरे और मेरे जीवन का तत्व है, यही तेरे में और मेरे जीवन का स्वरूप है, यही तेरे में और मेरे जीवन का रहस्य है, तू मैं और मैं तू। हरि ओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है, वास्तव में मानव कहलाने के लिए जीवन में कुछ अच्छे व्रत लीजिए। इसका कैसेट संख्या है 241।